हमारे करौली में राजा महाराजों का राज हुआ करता था, इसलिए उन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ परकोटे बनाए। जब मैं मासलपुर गेट पर गई तो देखा कि रात के 2:30 बजे वो परकोटा ऑटोमेटिक ही गिर गया, जिसमें एक ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, दूसरा थोड़ा नुकसान हुआ है। ये घटना कैसे घटित हुई आपके साथ में? क्या शाम को हमने टेम्पो खड़ा करा था ना, रात के 2:30 बजे के बीच में ही कोर्ट गिरा था ना, और कोर्ट गिरा ना तो हमारे टेम्पो का इसके नीचे दब गया, और भी बहुत सारे लोग थे बेचारे जो बगल में रहे वो बच गए, सारे मशीन में रहते बेचारे, बिल्कुल कुछ ऐसा वो नहीं है। 200 वर्षों पुराना परकोटा था, आज उसकी मरम्मत होती तो ये घटना सामने घटित नहीं होती। हम सो रहे थे इस कमरे के अंदर, जब एकदम गिरा था ना, या हमारे लिए एकदम धमकी आई, या हम निकल के इसमें से जब भागे थे, अगर हम नहीं जाते तो हम चारों पांचों बच्चे सब थे, हम इसमें दब जाते। और पूरी मैंने करौली में एक जगह नहीं, हमने कई जगह जाके देखा है कि कई परकोटे खराब हो रहे हैं। यदि आज भी नगर पालिका और RNUIDP हमारी हरकत में नहीं आई तो ये परकोटे एक दिन ऐसा होगा कि करौली वासी, आधे से ज़्यादा करौली उस परकोटों के पास में निवास करती है, वो खत्म हो जाएंगे। दूसरे को ऑटो चलाते थे, फिर ये अपना ले लिया ना अपन ने कर्जे से, तो यहाँ से क्या है कि अपन का अभी रूटीन तो हो गया, अब इससे क्या है कि हम बहुत परेशान हो गए, अब कुछ और धंधा नहीं हमारा जो अपन कुछ और करें। हमारे प्रशासन की अनदेखी के कारण ये क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, जबकि ये हमारे पर्यटक स्थान है। लेकिन आज हमारी नगर परिषद में RNUIDP के पास में प्रोजेक्ट फंड आता है, हर साल बजट पास होता है, फिर भी उनकी मरम्मत नहीं कराई जाती। कई बार एप्लीकेशन लिखी नगर पालिका में भी गए, लेकिन कंप्लेंट भी करी, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं करी यहाँ पर आकर। और देखो अब ये हो गया आज से, लेकिन यहाँ पर देखो ये पटोरे बार बार बाल बाल बच्चे यहाँ पर माल का नुकसान हुआ, जान का भी नुकसान हो जाता। मैं चाहती हूँ कि 200 वर्ष पुराने जो परकोटे बने हुए हैं उनकी तुरंत मरम्मत कराई जाए, जिससे वहाँ रहने वाले व्यक्ति सुरक्षित रह सके हैं। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।